जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है इनका नाम। जी हाँ गाइस, द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ प्लेनेट। लेकिन इसके बावजूद भी उनका डाउन टू अर्थ नेचर देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। यह हमें तब देखने को मिला जब ये इसी साल जनवरी में इंडिया आए और अमेजोन की तरफ से, जी हाँ अपनी ही कंपनी की तरफ से एक डिलीवरी मैन बन गए और एक जगह उन्होंने अमेजोन की तरफ से प्रोडक्ट को डिलीवर भी किया। गाइज, अब आप समझ चुके होंगे कि अमेजोन इतनी ऊंचाइयां क्यों छू रही है। जब नेतृत्व ही इतने कमाल का हो तो कंपनी ऊंचाइयां छुएगी ही। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अमेजोन एक ऐसी कंपनी है जो कि कस्टमर सर्विसेज को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है और कस्टमर्स को किंग मानती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने मिल्खा सिंह जी की लाइफ के ऊपर बनी भाग मिल्खा भाग मूवी के बारे में जरूर सुना होगा। अब इसी से जुड़ी एक इंस्पिरेशनल बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इंस्पिरेशनल बात यह है कि मिल्खा सिंह जी ने भाग मिल्खा भाग के प्रोड्यूसर से एज अ रॉयल्टी मात्र एक रुपया चार्ज किया। जी हाँ गाइज, मात्र एक रुपया। वो चाहते तो कितना भी चार्ज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो इस मूवी से पैसा नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो इंडियन यूथ को एक मैसेज दें जिससे वो क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दे सकें और भारत, हमारा देश, इन बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सके। गाइज, महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उन्हें महान बनाती है। इस फैक्ट को जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके आपको पता है कि आपकी सीधे हाथ की ये जो पांच उंगलियां हैं वो पांच अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की तरह काम कर सकती है और आपके माइंड में जो प्रेशर बना हुआ है उसको रिलीज कर सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये पांचों उंगलियों में जो थंब है, जब आप बहुत ज्यादा चिंता में हो तो आप इस थंब को इस तरह से प्रेस करें। जब आप बहुत ज्यादा डर में हो तो आप इस उंगली को इस तरह से प्रेस करें कंटिन्यूसली। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो आप इस उंगली को प्रेस करें। और फिर उसके बाद जब आपको बहुत ज़्यादा उदासी फील हो रही हो, अकेलापन फील हो रहा हो, तो आप इस उंगली को इस तरह से लगातार प्रेस करें। और फाइनली जब आप में आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी हो, सेल्फ स्टीम की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो लास्ट वाली फिंगर को अच्छे से इस तरह से प्रेस करें। लगातार ऐसे करने से आपकी ये जो पाँचों प्रॉब्लम्स हैं जिससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, वो धीरे 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 कम होने लगेगा और आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज होने लगेंगी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपने कभी एंटी मैटर का नाम सुना है? एंटी मैटर किसी इंसान के लिए इस पूरे यूनिवर्स की सबसे महंगी चीज है, जिसके एक ग्राम की कीमत 63 ट्रिलियन डॉलर है। ओह माय गॉड। पर सवाल है, एंटी मैटर होता क्या है? ये मैटर का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि रेगुलर मैटर में जो एटम होते हैं उनके सेंटर पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वैसे ही एंटी मैटर में एंटी प्रोटॉन्स, जिनका चार्ज होता है नेगेटिव, और एंटी न्यूट्रॉन्स होते हैं और पॉजिट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर काटते हैं और पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। मतलब मैटर में पॉजिटिव के चारों तरफ नेगेटिव चक्कर काटता है तो एंटी मैटर में नेगेटिव के चारों तरफ पॉजिटिव चक्कर काटता है। क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि हमारे आसपास कुछ अच्छा और यूनिक हो रहा हो तो मैं आप तक वो चीजें पहुंचा सकूं। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो अपनी आर्ट को किसी ब्रश या पेंट से नहीं बल्कि एक सिंपल साते से टाइपराइटर से बनाते हैं। है ना ये अमेजिंग? जी हाँ गाइज, सिर्फ टाइपराइटर से वो ऐसी पेंटिंग बना डालते हैं जो आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होगी। मिलिए ऐसी गुरुमूर्ति से जो कि बेंगलोर से बिलोंग करते हैं और अपनी इसी यूनिक आर्ट की वजह से वो पूरी दुनिया में पेंटर्स और आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। सो गाइज, ये आर्ट और ये आर्टिस्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको बीइंग एन इंडियन प्राउड फील हुआ चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। एक बार इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तब इन्हें अलग अलग इनवाइट किया गया और इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपना सक्सेस मंत्रा, अपना सीक्रेट ऑफ सक्सेस
ऑन अ पीस ऑफ पेपर एक वर्ड में प्लीज लिख के दीजिए। तब इन लोगों को अलग अलग बिठाया गया। इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन भी नहीं था। मजे की बात यह थी कि जब वो पीस ऑफ पेपर कलेक्ट किया गया तो उस पे दोनों के द्वारा एक ही शब्द लिखा गया था और वो शब्द था फोकस। जी हां गाइस, फोकस। तो इनके मुताबिक अगर आप वाकई में सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में एक ही एम पे फोकस करिए और उसे पाने की कोशिश करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।